फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी को लेकर के, जो कि हमारे यहाँ के पार्टियों में, प्रोग्राम में और फंक्शंस में सबसे ज़रूरी होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास रेसिपी है ये, जिसे हम बहुत ही आसानी से आपको दिखाने वाले हैं, वो भी सीधा हलवाई अंकल के हाथों से। तो अगर आप इस रेसिपी को एंड तक देखते रहेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी की पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बनाने वाले नहीं हैं, दिखाने वाले हैं हलवाई अंकल हमारे यहाँ कैसे पूड़ी बनाते हैं। हमारे यहाँ की पूड़ी बहुत बड़ी साइज़ की, बहुत नरम और मुलायम बनती है। तो यहाँ पे उन्होंने ले लिया है 25 केजी आटा, 5 केजी मैदा और 50 ग्राम इसमें वो डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने वाले हैं पहले। तो जब तक ये मिक्स करते हैं, तब तक मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ शादियों पार्टियों की शान होती है ये बिहार की स्पेशल पूड़ी। ये काफ़ी बड़ी साइज़ में होती है और फ्रेंड्स, इसे तो आप अगर खाना चाहें तो एक साथ खा नहीं सकती, इतनी बड़ी पूड़ी होती है और काफ़ी मुलायम होती है। तो इसको कैसे मुलायम बना जाता है, इसे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मैदे, आटे और बेकिंग पाउडर को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथा है। तो इस पूरे आटे को गूंथने में इन्होंने बताया है कि इनको 4 से 4.5 बाल्टी पानी लगा हुआ है। तो बाल्टी हमारी जो है काफ़ी बड़ी नहीं है, मीडियम साइज़ की है और पानी का थोड़ा सा क्वांटिटी फ्रेंड्स इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको अच्छे से ये मिक्स कर लिए हैं, पानी डाल के इसको इकट्ठा कर लिए हैं आटे को। और इसके बाद इसमें इन्होंने डाल दिया है रिफाइन ऑयल। तो ये 2 केजी की लगभग रिफाइन ऑयल है ये बता रहे हैं। तो 2 केजी की लगभग रिफाइन ऑयल है, इसे ये अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे पहले। तो सारे कढ़ाई में चारों तरफ ये ऑयल को अप्लाई करेंगे, जिससे कि जितना आटा कढ़ाई में लगा हुआ है वो भी छूट जाएगा और आटा गूंथने में थोड़ी आसानी होगी। और इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि कई दिन तक ये पूड़ी, 2 से 3 दिन तक आप रखो ना, तभी ये हार्ड नहीं होती, बहुत मुलायम पूड़ी बन के तैयार होती है, बहुत टेस्टी यूनिक लगती है। और काफ़ी सारी जगहों पे इस पूड़ी को लोग बहुत पसंद भी करते हैं। और ये देखिए, इनका प्रोसेस चल रहा है, ये अपने आप में लगे हुए हैं। तो ये सारे आटे को पहले कढ़ाई से छुड़ा लेंगे, फिर इसके बाद इसको ये अच्छे से मिक्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने आटे को गूंथ करके रख दिया है। अब इसे क्या करेंगे, गीले कपड़े से ढक करके लगभग 35 से 40 मिनट तक ये इसको ढक के छोड़ देंगे, जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे इसे ढके हुए 40 मिनट तक हो चुका है, अब इसकी पूड़ियाँ तलेंगे। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं इनके बेलने का तरीका, हमें तो बहुत पसंद आया। आपको पसंद आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। और ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी लोइयाँ हैं इसकी और इतनी बड़ी साइज़ की पूड़ी बन रही है। पूड़ी का साइज़ आप देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से इनका ये पूड़ी बेलने का तरीका और ये कढ़ाई में डालने का भी तरीका आप देखिएगा। तो इधर देखिए, एक साइड पूड़ियाँ जो है तली जा रही हैं, वो आपस में पलट पलट के उसको सेक रहे हैं, कैसे पूड़ी को सेकना है ये भी आप देखिए। और ये देखिए, इनके पूड़ी और लोई का साइज काफ़ी बड़ा है और ये ऑयल में कैसे इसे ट्रांसफ़र करते हैं ये भी आप देखिए। ये देखिए, इस तरह से उठाया और आसानी से डाल दिया। तो इस तरह से इन्होंने क्या करना, सारी पूड़ियों को ये बेल बेल के तल लेंगे। तो ये देखिए, ये स्पेशली मैंने उनसे बोला था कि आप कितनी बड़ी पूड़ियाँ बना सकते हैं, तो उस पूड़ी को ये बेल रहे हैं। तो देखते हैं कि ये कितनी बड़ी पूड़ी स्पेशली बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये सारी पूड़ियों से बड़ी साइज़ की पूड़ी है। और ये देखिए, इनके बेलने का तरीका, पूड़ी को कैसे ये साइज और शेप दे रहे हैं, मुझे तो यही बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से ये देखिए, ये फ्रेंड्स कोई कितना भी खाने वाला हो ना, एक पूड़ी तो वो खा नहीं पाएगा, मैं गारंटी देती हूँ आपको। और इस तरह से देखिए, इसे ये ऑयल में डिप करते हुए अच्छे से इसे सेकेंगे और सारी पूड़ी क्या है फ्रेंड्स कि इस पूड़ी को तलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ऑयल काफ़ी गर्म है और मुश्किल से 30 या 40 सेकेंड में पूड़ी दोनों साइड से सेक के तैयार हो जा रही है। तो है ना, कितना यूनिक सा ये रेसिपी। तो इस तरह से ये इसे डिप करके ऐसे घुमाते हुए पूड़ी को तल लेंगे। और इसके बाद देखिए, इधर ये अंकल बेल के तैयार भी कर लिए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये पूड़ी जो है ना, अगर आप रख दो तो आप आराम से इसे 2 दिन तक खा सकते हो। देखिए, कितने गुब्बारे की तरह फूल भी रही हैं पूड़ियाँ।
तो अगर आप इसे स्टोर करके चाहें तो 2 से 3 दिन तक आराम से खा सकते हैं। कभी भी कोई भी इसमें हार्डनेस या दरारपन नहीं आता। ये काफ़ी मुलायम और सॉफ्ट होती हैं। और इस तरह से इनकी पूड़ियाँ देखिए कितनी गुब्बारे की तरह फूल रही हैं। और इधर कई सारी पूड़ियों को इन्होंने तल के रख दिया है, तो इन्होंने इस तरह से तसले को उल्टा करके रखा है जिससे कि पूड़ी का जितना ऑयल है वो सारा नीचे गिर जाए। तो इस तरह से इन्होंने पूड़ियों को बना लिया है। और ये है हमारे यहाँ की काफ़ी टेस्टी स्पेशल सॉफ्ट और मुलायम पूड़ी। तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि हमारे यहाँ प्रोग्राम था तो यहाँ पे बन रही थी, तो हमने सोचा कि आज हम आपको इसी रेसिपी को शेयर करते हैं आपके साथ। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हाँ, ये बात अलग है कि आज हमने बनाया नहीं है, बस अंकल लोग बना रहे हैं तो दिखाया है आपको। तो ये है हमारी फाइनल पूड़ी। तो इस तरह से देखिए इसकी साइज को। और इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपको भी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी की खास बात ये है कि ये सिर्फ आपको हमारे यहाँ ही मिलेगी। इसे सिर्फ बिहार साइड में ही बनाया जाता है और सारी जगहों पे ये रेसिपी आपको नहीं मिलने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं, बाय बाय।